इस सीक्वेंस में मैं रानी को उसके ओरिजिनल पुराने वाले घर में लेकर आता हूँ, और इस घर में हमारा बचपन बीता है बेसिकली, और हमारी सारी यादें बचपन की यहाँ से जुड़ी हुई हैं. सो इट्स एन इमोशनल मोमेंट. ऑल्सो आई थिंक हम बॉन्ड करते हैं एक दूसरे से काफ़ी इस वक्त. वापस महल नहीं जा रहा होता है और मैं चाहती हूँ ये जाए. मैं अपना महल छोड़ के इस काल कोठरी जैसे घर में आ गया हूँ, क्योंकि मेरी जिद है कि जब तक बड़ी रानी माँ रानी से माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक मैं नहीं जाऊँगा. तो उस पर बहस चल रही है. सो या अभी राजा दोबारा महल नहीं जाएगा. रानी को गुदगुदी हो रही है. तो रानी को नहीं, ईशा गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है थोड़ी गुदगुदी होती है पैर टच करे कोई. तो एनी वे, तो रानी काफी खुश हो रही थी क्योंकि इसकी इतनी केयर कर रहा है बस. तो हाँ ऑब्वियसली तभी तो तुम्हें तो घूरे जा रही थी, मतलब मैं रानी ऐसे घूर रही थी. तो मोच कैसे आई तुम्हारे पैर? क्योंकि तुमने मुझे धक्का मार दिया. तो मोच घर जाने के लिए जिद क्यों करती है रात के अंधेरे में जब वो कहते कि आप रुक जाइए? क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं. मेरे फादर यहाँ पर थे जो अब नहीं रहे, राखन, तो मुझे काफी दुख है. मैं नहीं चाहती कि वो सब फिर से मेरे सामने आए, तो मैं भागना चाहती हूँ. आप चूजियों को फेस नहीं करना चाहते, तुमसे भागते हैं, तो वही रानी कर रही है. हमेशा स्टंट में पूछा जाता है कि आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप रोमांस करते हो तो थोड़ी घबराहट महसूस होती है कहीं भी या कभी कुछ लगता होगा? घबराहट यार मैं तो नहीं करती, मैं तो सीन, आई एम एन एक्टर, मुझे तुम एक लकड़ी का डब्बा भी दोगे मस्त से रोमांस कर लूंगी. कभी कभी मेरे सामने नर्वस हो जाती है, लेकिन मैं नहीं, आई एम नॉट दैट टाइप. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ओह यार रोमांस में मिट्टू है ये. रानी थोड़ी ऐसी हो जाती है. नो नो, वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. तुमने मुझे छुआ, यू नो वैसा लुक आ जाता है, लेकिन अभी धीरे धीरे बेटर हो रही है, इम्प्रूव. ओह माय गॉड, ओके, सब सरताज की वजह से. थैंक यू वेरी मच.